और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए इसका टाइटल है मॉडर्न बेंगलुरु अपार्टमेंट टूर, बेंगलुरु व्लॉग, पाकिस्तान विजिटिंग इंडिया। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को, उसके लिए मैं लोकेशन का लिंक उसका लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। बेंगलुरु से न्यू बेंगलुरु की तरफ हमारा सफर जारी था, बहुत ही अच्छे नजारे थे, साथ में प्रकाश भाई से गपशप हो रही थी, बहुत ही इंजॉय कर रहा था मैं इस बेंगलोर की राइड को। तो एकदम एक ये एरिया एकदम एक मॉडर्न एरिया शुरू हो जाता है सडनली, फिर एक बाजार आ जाता है, फिर एक कोई रोड आ जाती है, आप इधर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एक होता ना डिफरेंट सिटीज में जाल वेरू विहार, ये ऊपर देखें आप विस्टेज अपार्टमेंट यहाँ बड़े खूबसूरत होते हैं। तो जहाँ अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ही हाई क्लास खूबसूरत अपार्टमेंट्स आएंगे। थोड़ी सी गाड़ी के बारे में पूछते हैं, भैया कौन सा ईयर है गाड़ी का? 15। अच्छा 15 है, और ये कितना माइलेज है इसका? एक लीटर में डीजल में कितना खर्चा है? 18। अरे यार ये टाटा वालों ने जबरदस्त बनाया, तो हाइब्रिड है जबरदस्त। 22 तो रोड तो सारे ही नाइस है, मतलब लॉन्ग रूट में। यार ये तो इलेक्ट्रिक कार क्या लेनी है, टाटा इंडिगो पकड़ो भाई, ये तो यार हाइब्रिड जो टोयोटा है, जो कैमरी शैमरी है, जो लोग इतनी महंगी ले रहे हैं, ज़बरदस्त यार इंडिगो और 2015 इंडिगा। अच्छा इंडिगा आईफोन रखा है भैया ने, ये प्रकाश भाई हम वगैरह आईफोन लेंगे पता नहीं कब। ये भाई इंडिगो का लेवल है। तो भाई भारतीय सिटी बेंगलोर में आ गए हैं, थोड़ा मॉडर्न बेंगलोर शुरू हो गया। ये देखें अपार्टमेंट कितने बड़े बड़े मैसिव अपार्टमेंट सामने नजर आ रहे हैं। ये मैंने एक देखा था ऑटो रिक्शा टाइप ना, बढ़िया बहुत मस्त बन रहे हैं प्रकाश भाई। प्रकाश भाई मूवी देखते हैं कौन सी? हिंदी जो अभी आई थी एनिमल देखी? अभी डंकी आई है, डंकी देखी। फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी तो हम जिसका है उसके साथ रह रहा है। हम आपके हैं कौन? आप आपके हैं कौन? प्रकाश जी बहुत बढ़िया है। अच्छा वो राइड वो है शेयरिंग पे, क्या मतलब मैं ऐसे लगे पीछे तो भी उतर है। वो देखो कहाँ जा रहा है, ये देखो भाई, तो उधर वो सेफ्टी मेजर आपने देखे तो इधर चेक करो। अरे भाई क्या कर रहा है वो, देखो खंभे में चढ़ा हुआ, कोई बेल्ट शेल कुछ नहीं है भाई। ये देखो भाई कैसा बाइक है, ये देखो इलेक्ट्रिक साइकिल है बाइक है, पता नहीं क्या है। नजर आ रहे हैं जो खूबसूरती है बेंगलोर की, साउथ की, पूरे इंडिया में ये कह रहे हैं। और ये ऊपर से हमारे दो मोरिया पुल है यहाँ, दो मोरिया पुल है यहाँ पे भी है मॉल आ गया बड़ा, छोटा एरिया भी है एकदम, इतने बड़े बड़े मॉल आ जाते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या बात है। कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, बहुत मैसिव ये देखे बिल्डिंग बन। तो भैया एकदम राइट टर्न से लेफ्ट टर्न लिया है, ये देखो एकदम भाई चेंज हो गई दुनिया, ऐसा लग रहा है किसी और स्टेट में आ गए हैं या कंट्री में आ गए। वही साइकिलें शाइकिलें रिक्शे वही दुकानें, इनका अपना मजा है इस, ये वाइब एक अपनी है, वो एक अपनी है। टोमाटो वाला देखें जा रहा है, ये देखें पाइनएप्पल यहाँ बड़ा फेमस है, ये लोगों ने पाइनएप्पल लगाए हैं 30 रुपये का एक पीस, अभी ये तो सस्ता है यार, बहुत सस्ता है। ये मार्केट है हार्डवेयर का। तो भाई टनल में जा रहे हैं बेंगलोर में, एकदम रोड से टनल में आ गए हैं। कितने खूबसूरत इन्होंने किस तरह से ये किया हुआ है दीवारों को। भैया ये होटल वालों में टनल है या मेन रोड है? मेन रोड नहीं है, होटल का होटल। यार ये देखो कितना बड़ा इन्होंने लूप बनाया हुआ है होटल वालों ने।
तो भाई हम बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न बेंगलोर में दाखिल हो चुके हैं और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ यार यहाँ के नज़ारे देख के। एम्बेसी ऑफिस है कोई? क्या बात है, आपका लोकेशन है ना? इलेक्ट्रॉनिक जो इन्होंने एस्केलेटर लगाए हैं, ये है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर। यहाँ सारे आईटी ऑफिसेज हैं, सारे इनके मेन जो हेड ऑफिसेज हैं कर्नाटका के बल्कि पूरे इंडिया के, तो ये है भाई वो जगह। और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है, बड़ी डिसिप्लिन आप देख सकते हैं रोड्स पे नज़र आएगा, और वर्कर्स भी इवन जो काम कर रहे हैं सेफ्टी उन्होंने कैप्स पहनी हुई है। ये रिवर्स आ रहा है रिक्शे वाला, अबे भाई क्या कर रहा है भैया। इस रोड का क्या नाम है नहीं पता भैया, करें मालूम नहीं। अच्छा वाला रोड है नाम, अच्छा वाला। ये कहीं, ये भी नई बड़ी सी हाई राइज बिल्डिंग है। वाह यार वाह, ये देखिए कितने बड़े बड़े मैसिव इनकी पार्किंग, बिल्कुल ऐसे जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में होता है। फॉरेन कंट्री लग रहा है। वाह, ऑटो तो नहीं है? ऑटो नहीं है, इंडिया में किसी अपार्टमेंट में है। तो ये हमने मूवीज में देखे इस तरह के। यार पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स का कल्चर उस तरह से देखने को नहीं मिलता जैसे मुझे इंडिया में देखने को मिला है। मोस्टली लोग स्पेशली लाहौर में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे लोग घर प्रेफर करते हैं, सिंगल या डबल स्टोरी हाउस। शायद इसलिए मुझे यहाँ पे अपार्टमेंट्स देख के बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी, बहुत ही खुशी फील हो रही थी। अपार्टमेंट का आपको विजिट भी करवाएंगे, बहुत ही अच्छे खूबसूरत सारी फैसिलिटीज मौजूद है। हम देखें कितने ऊपर हैं यहाँ पे, तो ये 26th-27th floors का ये बना हुआ है। और सामने इस अपार्टमेंट की बैक साइड पे वो सामने जो लीला पैलेस है, बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। ये देखें चारों तरफ आपके पास अपार्टमेंट का व्यू, और नीचे वो देखें आप पूल बना हुआ है, ये देखें ओए सामने टेनिस कोर्ट है। इसके बिल्डिंग के पीछे जो है वो फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है। ये देखो बच्चों का छोटा सा, हर अपार्टमेंट से सामने ऐसे पार्क से बने हुए हैं, स्लाइड हैं, देखे बच्चे खेल रहे हैं, वॉक कर सकते हैं। कितना खूबसूरत यहाँ सिस्टम सारा बनाया हुआ है, तो बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कि मैं कभी इस तरह के अपार्टमेंट्स में पहले नहीं गया। हमारे वहाँ नॉर्मली घर होते हैं, इंडिविजुअल हाउसेज होते हैं, आपको बताइए जो भी पंजाब से और मोस्टली पाकिस्तान से लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो अपार्टमेंट कल्चर है जो कि मुझे बहुत पसंद है, लोग प्रेफर करते हैं और गवर्नमेंट भी उस पर जोर देती है, क्योंकि हाउस अगर आप लेना चाहें तो यहाँ इम्पॉसिबल है। ये अपार्टमेंट जी करोड़ों रुपए का एक यहाँ पे फ्लोर आपको मिलेगा, तीन बेडरूम चार बेडरूम का। तो हाउस आप सोच रहे हैं, हाउस तो मेरे ख्याल है इस जगह पर 25-25 crore का शायद ही घर बनेगा अगर आपने इतनी लैंड पे घर बनाना है। अच्छा, अभी घर में काम चल रहा है तो कुछ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मैप दिखाने के लिए खाली घर है, आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगी। तो दो से तीन कमरे जो हैं उनकी ये फेसिंग है आउटसाइड, यहाँ से आप अपने बेडरूम से जब आप कर्टन हटाएंगे तो ये व्यू आपको नज़र आने वाला है, ये व्यू आपको नज़र आने वाला है। तो अब आप ये देखें बिल्डिंग्स वाला, और अब आए आपको हम दूसरे कमरे दिखाते हैं। तो पहला कमरा ये है, डबल बेड है, ज़बरदस्त यार आप देख सकते हैं, खुला डुला दो कमरे यहाँ पे, इस तरह के अपार्टमेंट के कमरे होते हैं। और आए अब आपको अगला कमरा और दिखाते हैं बाथरूम कैसे, बड़ी रेनोवेशन ज़ोरों शोर से जा रही है, तो लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें ज़रा चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये भाई मास्टर बेडरूम है, आ जाए, वाह इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें कोई बालकनी नहीं है। तो अगर यहाँ बेड बिछा हुआ है, ये भाई इसकी क्वालिटी है कि आप अगर बेड यहाँ बिछा हुआ है तो बेसिकली आप 16-17 माले पे मौजूद हैं, और आप आँखें खोलते हैं बंदा यूं करता है और देखता है तो अबे मैं कहाँ पे आ गया। तो ये इसकी क्वालिटी है कि आगे निकला हुआ थोड़ा, इसमें सेफ्टी तो है लेकिन ज़्यादा एक डिफरेंट तरह का व्यू है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये है, ये मास्टर बेड है, बड़ी बड़ी कवर्स लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। जब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो ज़्यादा सामान नहीं रखते, तो इसलिए इनकी कबर्ड्स इतनी ही होती हैं, क्योंकि इसमें जगह जो है स्पेस उतनी बड़ी नहीं होती जैसे हमारे घरों में होती है। तो आए हम आपको दिखाते हैं इसका अटैच बाथ,
तो ये पर्टिकुलर अपार्टमेंट भाई अंडर रेनोवेशन था, थैंक्स टू ऑनर जिन्होंने हमें अलाउ किया इसको थोड़ा सा देखने का और विजिट करने का। कार्तिक तो आ रहा है ऑलरेडी। कार्तिक आ रहा है, कार्तिक भाई वो कहते शाहरुख खान कार्तिक से बढ़िया, ऑल्दो ये खुद कार्तिक है। तो आए नहीं, जरा बाथरूम दिखा देते। ये देखो भैया, अभी सब रेनोवेशन चल रहा है। हाँ सर, तो रेडी हो गया, रेडी ऑलमोस्ट, ये कह रहे हैं कर देंगे। ये बाथरूम है, रेनोवेशन में ये जो बैक साइड वाले का, ये देखेंगे इनका भी बिल्कुल अलग है। यहाँ से लाइट ज्यादा आ रही है हर कमरे में ना, ठीक बात है। ये व्यू अच्छा है, ये बैक साइड वाले कमरे हैं, ब्लॉक नहीं है इनका व्यू, ये है क्या बात है। ये देखिए, और ये अटैच बाथ है। तो दो तरह के व्यू हैं, एक तो है भाई जो मैंने आपको दिखा दिए जिनका बिल्डिंग्स का व्यू है, दूसरे अपार्टमेंट्स का, और एक ये था। अच्छा भाई, ये इनका मेन हॉल है, ये देखिए ये मेन हॉल है। तो किचन और एक कमरा और एक मेन हॉल, ये फेस कर रहे हैं उन बिल्डिंग्स को, और बाकी कमरे पीछे हैं। तो इस तरह होता है भाई, ये यहाँ पे किचन है, बड़ा खूबसूरत किचन बना है, हर जगह रेनोवेशन जारी है। किचन का व्यू भी देखें, और ये यहाँ पे अगर आपका कोई हेल्पर है घर में, कोई शेफ है, कोई कुक है, ये उसका छोटा सा रूम बनाया हुआ है। ये देखें, ये उनका टॉयलेट है, ये सेपरेट एंट्री एग्जिट है, और ये उनका रूम है। तो वन बेड यहाँ पे आ सकता है। तो हर चीज़ की फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है बेसिकली। ये किचन है, और ये इनकी मेन एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है। और यहाँ से आए और आप ये देख सकते हैं, बहुत आला भाई। तो एक घर में यहाँ जहाँ रेनोवेशन हो रही थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा ठीक है आप दिखा सकते हैं। तो ऐसे होते हैं भैया अपार्टमेंट, कभी ट्राई करेंगे आपको फर्निश का अपार्टमेंट भी दिखाएं। लो भैया, अभी मौजूद हूँ मैं एक बालकोनी में, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पूरे बेंगलोर का व्यू है मेरे पीछे। क्या बात है यार, क्या करें, एक हवा चल रही है, एक इन्वायरमेंट अलग ही किस्म की वाइब है यार। तो यहाँ से बड़ी दूर दूर तक नज़र आ रहा है, ज़्यादा कैमरा उसको इस तरह शायद कैप्चर ना कर पाए, लेकिन बड़े दूर तक रात को बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत ग्रीन है, और बड़े वेल प्लान तरह से मैनेज किया हुआ है, पता लग रहा है सिटी बना हुआ है। इस तरफ थोड़ा ग्रीन है न्यू बेंगलोर, और उस तरफ जो है उस तरफ भी खैर न्यू बेंगलोर ही है। वो मॉल बना हुआ है, वहाँ का भी आपको विजिट करवाएंगे। तो भाई लेकिन ये बालकोनी में इनका खुरा भी दिया हुआ है, जिसके बाद खुरा नहीं है, कपड़े चपड़े धोने के लिए वो देख सकते हैं। अच्छा ये देखिए, हर ये ब्लॉक उसमें एक छोटा सा थिएटर है, ये देखिए इसके अंदर थिएटर है। अभी आपको बुक करवाना पड़ेगा, ये आप वो बुक होते 10-15 लोगों के लिए होता है, खोलें और जाके अपनी मूवी इंजॉय करें। हर तरह की फैसिलिटी दी हुई, अभी मैं तो बड़ा ही इंजॉय कर रहा हूँ, आई होप आप भी मेरी ये वीडियो बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। अभी ये देखें अपार्टमेंट्स के जो तीन चार बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में, बीचों बीच इस तरह एक वॉकिंग वे होता है, क्योंकि आप थ्रू आउट द वे नीचे जाएं ऊपर आएं तो उसमें टाइम लग जाता है। ये देखें इस तरह ये बिल्डिंग, यही बात पूछ रही थी मॉडम, ये सेंटर में ये क्या है, याद है नजर आता था। इसमें आप बड़ी अच्छी हवा चलती है, क्योंकि ज़्यादा काफ़ी हाइट पे है ये, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हर फ्लोर पे मुझे लगता बनाया है, नीचे वही पार्क वगैरह आ गए, लोग वॉक कर रहे हैं, और ये बिल्डिंग है सारी, देखे वहाँ पे भी बना हुआ है, ये रहा हम इस पे हैं बेसिकली। तो ये देखिए बड़ा ग्रीन है, अच्छा है ना। और इस तरफ आपको दिखाता हूँ, कनेक्टिविटी भी है यहाँ पे, आप अपनी कोई फंक्शन वगैरह और लोग ज्यादा हो तो सिटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए, और ये देखिए ऐसे अपार्टमेंट होते हैं, देखिए लोगों ने कैसे अपने सेट किए हुए हैं, यहाँ से नजर नहीं आता, बहुत से लोग बैठे हैं, अच्छी जल्दी होगी। ये भाई साहब अपना व्यू ले रहे हैं, और कोई कोई आंटी बैठी हुई है, ये देखें लोगों ने कपड़े सुखाए हैं। कराची में हमारे फिर भी अपार्टमेंट होते हैं, लेकिन पंजाब साइड पे बहुत ही रेयर है, लेकिन यहाँ तो थ्रू आउट आपको ये देखें पूरे सिटी में अपार्टमेंट ही नज़र आएंगे। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, घर का बहुत ही रेयर है यहाँ पर। ये देखें, ये देखें, पूरा सिटी का व्यू करवा रहा हूँ मैं आपको, बेंगलुरु
जो बेंगलोर के नाम से ही मशहूर है। ये देखे भाई टावर्स के नीचे ये इस तरह ग्रोसरी स्टोर है, बिल्कुल लिफ्ट से नीचे आए विद इन प्रॉब्ली 30 seconds अवे। और ये कहीं डिफरेंट शॉप्स हैं, ये मिठाइयों की दुकान है, बेकरी है। तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको, कम्युनिटी यहाँ रात को निकलती है डॉग शॉक वॉक कराने, स्पोर्ट्स करने, स्विमिंग करने और वो खेलने बच्चों के साथ। बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया हुआ है, कहीं कंप्यूटर का इन्होंने लैब सी भी बनाई हुई है, बहुत आला। टावर्स के ये देखें बेसमेंट में दर्जी भी मौजूद है, वाह। कपड़े शपड़े ऑर्डर कराने, ये देखें एक कैफ़े, कॉफ़ी शॉफी स्नैक्स अगर आपका दिल कर रहा है वो भी मौजूद है। ये देखें स्टॉल्स लगे हुए हैं डिफरेंट एक्टिविटी बच्चों के लिए, तो बेसिकली सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। और हॉस्पिटल क्लिनिक 24 आवर्स, डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, पूरा शहर ही है ना। और ये पार्क्स हैं, तो बहुत ही मतलब एक फील आ रही है डिफरेंट तरह की, और ऐसा नहीं आपको बाहर जाना पड़ेगा, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो भाई स्टॉल्स आपको लेके चलते हैं, एक नायाब के नाम से स्टॉल नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या है वहाँ पे। खाबे शाबे नज़र आ रहे हैं, आपको पता है जहाँ खाबे नज़र आए वहाँ आपके मुशी भाई सबसे पहले पहुँचते हैं, खुशबू आ जाती है, वाइब नज़र आ जाती है। तो आए देखिए बच्चों का आर्ट का एक वो चल रहा है सिस्टम, तो वाह भाई यार मज़ा आ गया। तो ये मेले का सा समा है, ये देखिए ऊपर अच्छा अपार्टमेंट्स जो है ना वो किया अरेंजमेंट भी, बीच में एक मेले का सा समा है जबरदस्त। आए हम देखते हैं नवाब वालों के क्या दे रहे हैं। फ्राइड राइस है इनके पास, चिकन है, डिफरेंट आइटम जैसे मैंने पहले दिखाया बेंगलोर में, बेंगलोर में हर चीज का एक पोर्शन बना के देते हैं, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कितना पोर्शन मिलेगा, कितने राइस मिलेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है, एक आप समझ लें डिस्प्ले के तौर पर बना के देते हैं, बहुत फ्रेश बन रहा है सारा। और आगे भी आगे दिखाते हैं आपको, आ जाए। अच्छा भाई ये बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, ओके ये मेन्यू है, ये देखें भाई मेन्यू ज़बरदस्त। तो ये लाइव बुफे टाइप लगा हुआ है इनका, ये चिकन कबाब, ठीक है जीरा राइस, ओए होए पूरा बफे सिस्टम है भाई। अच्छा ये देखें, ओए होए होए पनीर, ओए होए होए ये क्या चीज़ है भाई, मैक्सिकन विंग्स, बहुत आला बहुत आला। और ये आपके कटलेट्स हैं, और देखें आगे और भी चीज़ें हैं भाई, स्प्रिंग रोल, फ्राइड राइस, वेज बिरयानी, वेज बिरयानी। मेरे घर वालों को ये बफे बहुत पसंद आएगा। तो भाई मुझे बताया गया ये परमानेंट स्टॉल नहीं था यहाँ पे, ये लोग प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं और मज़े मज़े के खाने बेंगलोर की डिफरेंट लोकेशन में सर्व करते रहते हैं। तो मैक्सिकन स्टाइल की चीज़ें भी हैं, चाइनीज, इंडो चाइनीज, देसी बिरयानियाँ शिरयानियाँ भी। तो भाई ये आपको दिखा रहा हूँ ये सब कहाँ हो रहा है, किसी पार्क में नहीं हो रहा, अपार्टमेंट्स के नीचे हो रहा है। मतलब भाई यार लाइट बड़ी कम है यहाँ पे, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ आपके लिए इधर की भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें जी बिरयानी इनकी, वैसे देखने में यार बड़ी फिट लग रही है, थोड़ा सा ऊपर से रायता डाला है, एक और बाइट, एक बाइट में यार व्यू सही जाता नहीं है। बड़ा चिकन लेते हैं, ये देखें चिकन में अच्छा डाला हुआ, चिकन रायता और आप सही बाइट। मैं इस तरह अपार्टमेंट के नीचे इतनी अच्छी बिरयानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वेल डन यार। तो भाई अगर आप जगह का नाम मैं बता देता हूँ, अगर आप ये निक्कू होम्स जानते हैं जो बेंगलोर में रहते हैं वो जानते हैं, बड़ी फेमस डेवलपर है, उनके अहाते में आता उर्दू का वर्ड है, उनके बाजू में जो नीचे जगह बनी हुई है वहाँ पर आप आएँ और नायाब वालों की बिरयानी खाएँ, और प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा है।
तो यहाँ पे और भी डिफरेंट स्टॉल्स थे जो डिफरेंट तरह के खाने सर्व कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही ये जबरदस्त वीडियो बनी है, बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस रहा है। तो उम्मीद है भाई आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अपार्टमेंट्स की आपको हो सका तो मैं पूल की तरफ भी थोड़ा लेके जाऊंगा, लेकिन इतनी इन्हें खाई नाफा जितना दिखा दिया है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना और आसपास वालों का ख्याल करें, मुशी भाई का भी थोड़ा ख्याल करें सब्सक्राइब करके। साइनिंग ऑफ। ओल्ड सिटी और जो है न्यू सिटी हमेशा से जो है ना एक अपनी अपनी जो है ना वाइब जो है वो रखते हैं। जैसे हम अगर देखें ना बेंगलुरु में भी अभी जैसे हम देख रहे हैं, पुराने शहर की अपनी एक वाइब है, नए शहर की अपनी एक वाइब होती है। पुराने शहर में ये होता है कि आपको मार्केटें वाकई में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, नए शहर में ना आपको वो एक ही जगह पर जो है ना सब कुछ देखने को मिलता है। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बोलूँगी, ऑल्दो लाहौर इतना डेवलप नहीं है अगर मैं नए लाहौर की भी बात करूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जब आप पुराने लाहौर में जाते हो ना तो एक अलग वाइब ज़रूर आपको। इसी तरीके से मुझे लगता है कि हर शहर में जब नए मतलब पुराने शहर के साथ जब नया शहर बनाया जाता है, उसको एक्सटेंड किया जाता है, तो क्योंकि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, वो प्रॉपर प्लानिंग से बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल आपको एक डिफरेंट लुक देता है। बट इंडिया के हम बड़े शहरों की बात करें तो वाकई में बहुत आपको एक डिफरेंस नजर आता है, जिस तरीके से आपको जो रोड्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और जो अपार्टमेंट्स की जगह हैं, जिस तरीके से प्लान की गई है, यानी कि आपको हर फैसिलिटी जो है वो उसके अंदर ही मिल जाती है। तो ये चीज आपको अगर बड़े बड़े कंट्रीज में भी देखो तो आपको यही चीज देखने को मिलती है कि ऑर्गेनाइज चीजें आपको देखो। वैसे अगर मुशी भाई की बात करें तो जैसे उन्होंने कहा कि लाहौर में जो है आपको अपार्टमेंट जो है वो नहीं देखने को मिलते, तो यहाँ पर लिटरली यही ट्रेंड है कि लोग जो है ना वो घरों में रहना प्रेफर करते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास अपनी छत जो है ना वो होना जरूरी है, बजाय इसके कराची में आपको जो है कल्चर जो है वो देखने को मिलता है अपार्टमेंट्स का। लेकिन मुझे लगता है कि भाई अपार्टमेंट कल्चर जो है ना वो लाहौर में भी होना चाहिए, कुछ जगहों पर है, लेकिन वहाँ पे भी अगर बात करें ना वो 3 से 4 मंजिला इतना बना होता है। अगर इस तरह 26 माले या 27 माले की बात करें ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको लाहौर में नहीं दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर इतनी बिल्डिंग्स बनानी है ना कि लोगों ने रहना, तो उनको रहन सहन का तरीका समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, क्योंकि सही बात है। जो चीजें मैं देखती हूँ ना कि लाइक अपनी सराउंडिंग में कि अपार्टमेंट्स बन जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखना, कोई मैनेजमेंट नहीं है, वो देखो हमें पूरी एक कंप्लीट मैनेजमेंट नजर आ रही है। बिल्कुल यार, ये चीज है वहां पे, क्योंकि अपार्टमेंट्स में अगर देखा जाए तो भाई जो आपका पूरा एक सिस्टम होता है, बेशक वो आप सफाई सुथराई से बात करें या लोगों के रहन सहन से लेकर बात करें, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना वो मैटर करता है। अभी वैसे इस अपार्टमेंट की बात करें तो भाई आपको 3 कमरों का जो है आपको ये एक अपार्टमेंट जो है वो नजर आता है, और हाँ 3 BHK और खूबसूरत भी जो है वो लग रहा था मेरे ख्याल, एक छोटी फैमिली के लिए जो है ना इनफ स्पेस है। लेकिन फिर वही बिल्कुल मैं इनकी बात से एग्री करूंगा कि भाई अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए जो है ना मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ एक बिल्डिंग बनाकर दे दी, उसके बीच में सारे अब जो है ना वो क्या से बोलते हैं बस रह रहे हैं, हाँ, बस रह रहे हैं और एक भेड़ चाल का हिस्सा आप बन गए हुए हो। सो मुझे लगता है कि पहले आपको वो एक आप में सेंस भी आनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे मैं यकीन है कि इंडिया में तो बिल्कुल एक लॉ बना होगा कि किस तरीके से बिल्डिंग बननी है, भाई बिल्डिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितने माले तक बना सकती है, इस जगह पर आप कितने माले की बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि ना ये चीजें जो है ना वो कोई भी नहीं देखता। पाकिस्तान में बस ये सॉरी बनाओ बेचो और जाओ। एग्जैक्टली ये भी चीज मैंने देखी है, जो एक दो एक्सपीरियंस मैंने देखे, लेकिन बाकी जो अच्छे लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जो लाहौर में हैं वो डेफिनेटली वो तो प्रॉपर एक उस तरीके से बनाए जाते हैं, वहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ होती है। लेकिन मैं नॉर्मल जगहों की बात कर रही हूँ, बट यहाँ पर भी अच्छे खासे ये महंगे हैं जो उन्होंने बताया है जो अपार्टमेंट्स हैं। बट हाँ मैं ये बात बोलूंगी कि जो लोगों को घरों में रहने की आदत है ना, उन लोगों को ज्यादा घरों में ही मजा आता है। अब उनको शौक है मुझे पता है अपार्टमेंट का, बट मुझे वैसे घर ज्यादा पसंद है। वैसे मेरे ख्याल है कि बंदे के पास एक आधा अपार्टमेंट जो है वो होना चाहिए, बेशक जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए जो है इस्तेमाल कर ले, जैसे booking.com होता है उस पर लगा दे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मॉडर्न टाइम के हिसाब से देखा जाए ना तो एक अच्छा बिजनेस है ये। मुझे ऐसा लगता है ना घर में आपकी ना प्राइवेसी बड़ी मेंटेन रहती है, और छत में जब मर्जी चले जाओ और यू नो जहां मर्जी जाओ। अगर घर यानी कि आपके वो पंजाबी में कहते हैं आंठ गुआंठ चंगे हो ना, तो मेरी भी मेंटेन रहती है, वरना जो है ना लोग नजर रखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये चीजें होती हैं। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जैसे थिएटर, ये मेरे लिए नया था कि लाइक आप पहले बुक करवाओ और उसके बाद 10 से 15 लोग जो हैं वो मतलब एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो वैसे रूफटॉप गार्डन भी अच्छा लगा है, मुझे भी अच्छा लगा है। फिर उसके बाद जो नीचे आपके पास बेकरी है, ग्रोसरी है,
टेलर फिर डॉक्टर की फैसिलिटी मतलब हर अमेनिटी आपके पास अवेलेबल है फिर जो हाँ आप बोलो बोलो नहीं फिर उसके बाद जो आपको जो है एंटरटेनमेंट जो दी जा रही है जैसे अभी हमने एक बफे सिस्टम देखा है उस लिहाज से भी अगर देखा जाए जो एक्टिविटीज जो होती होंगी इसके अलावा भी लाजवाब और भी एक्टिविटीज होती होंगी जो मैनेजमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती होंगी लेकिन तो ये चीज भी काफी ज्यादा एंटरटेनिंग रहती है। बट ये देखो उसमें लोगों को भी बड़ी सहूलत है कि लोग अपना जो वीकेंड है वो किस तरीके से स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के लिए मतलब एक टाइम गुजारना गैदरिंग्स होना और ऑब्वियसली वहां पर आपको जो जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हुए हैं उनकी एक उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो लोग वहां से कुछ बेटर अर्निंग करते हैं जिसकी वजह से वो लोग मतलब इस तरह से स्टॉल्स लगाते हैं और मुझे लगता है कि ये बड़े अच्छे आइडियाज हैं कि आप किसी बिल्डिंग में मतलब इस तरीके से सारी चीजें अरेंज करते हो तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहूँगी कि एक नया एक्सपीरियंस था मतलब हम लोगों को ये तो पता था कि अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं लेकिन और क्या क्या एक्टिविटीज वहाँ पर होती हैं क्या क्या अमेनिटीज होती हैं इसके बारे में हमें आइडिया बिल्कुल आइडिया नहीं था। अच्छा वैसे अपार्टमेंट में एक और चीज़ में जो है वो पूछना चाहूँ नो डाउट भाई अच्छे बने होते हैं लेकिन जो है जैसे अभी जैसे हमने ये देखा है अपार्टमेंट तो ये सारे जो है लोग खुद ऑन करते हैं या रेंटल बेसिस पे भी जाते होंगे क्योंकि अलग बात है जैसे जैसे बीच में बताया गया इतने इतने करोड़ के यानी करोड़ों के हिसाब से वो हैं तो उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि लोग रेंट आउट भी करते होंगे क्योंकि कुछ लोग तो खुद भी ऑब्वियसली खरीदते होंगे कुछ लोग रेंट आउट करते होंगे मतलब खरीदने के बाद मिला जुला सिस्टम होगा लेकिन आप जरूर बताइए क्योंकि आपको ज्यादा वैसे पता है और इसी के साथ ही मैं ज्यादा गुड बाय।